नमस्कार। हमारा प्लान था, अस्पताल जाने का प्लान था और आपसे हमें वहाँ मिलना था, मगर वो हमने कैंसिल कर दिया। काफी लोगों ने हमें कहा कि जब चीफ मिनिस्टर अस्पताल गए थे तो काफी कष्ट हुआ था लोगों को, बच्चों की वजह नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम अस्पताल ना जाएं। सबसे पहले जिन परिवारों में बच्चे मरे हैं के दर्द को समझने और बांटने में यहाँ आया। काफी परिवारों से बात हुई और सब लोगों ने ये कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके बच्चों की मृत्यु। हेलो, राहुल मिल रहा है? काफी परिवारों को पंप दिया गया, उन्होंने घंटे पंप चलाया, अंबु बैग चलाया और ये काफी क्लियर है कि ये गवर्नमेंट में ट्रेजेडी है। मैं पहले आया था इस अस्पताल में और आपसे बात करते हुए, प्रेस से बात करते हुए मैंने कहा था, मोदी जी से कहा था कि मोदी जी इस अस्पताल में पैसे की जरूरत है, बहुत कमियां हैं अस्पताल में और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर है कि ऑक्सीजन की कमी लापरवाही के कारण यह हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर को कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बार आपने, प्रेस ने पहली बार ये मुद्दा काफी जोरों से उठाया है तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सिर्फ ये यूपी का मामला नहीं है, ये नेशनल ट्रेजेडी है और ये एक प्रकार हिंदुस्तान का जो आज हेल्थ केयर सिस्टम है उसका एक चिन्ह है। और इस प्रकार से काम नहीं किया जा सकता। मोदी जी न्यू इंडिया की बात करते हैं, ऐसा न्यू इंडिया हमें नहीं चाहिए। हमें वो इंडिया चाहिए, वो हिंदुस्तान चाहिए जिसमें अस्पताल चले और जिसमें लोग, गरीब लोग अपने बच्चों को अस्पताल में ले जाएं और खुशी से लौटे, वैसा इंडिया चाहिए। ये न्यू इंडिया हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद।